अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू नकाबी बीक्स। सो आज जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो ये दो सीरम हैं, फेस सीरम्स हैं डॉक्टर आशिल के। और इन दोनों की यूट्यूब पर तो वैसे धूम मची हुई है कि ये किस तरह के हैं सीरम्स। सो बेसिकली मैं आपको इसके बारे में इतना बताऊँगी कि मैंने इस सीरम को इतना यूज़ किया है, ठीक है, और ये सीरम तो मेरा ख्याल ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है सीरम। अब इन दोनों इनके रिजल्ट्स, इनके रिव्यू मैं आपको बताऊंगी। मैंने इन दोनों के पूरे जो है ना किड्स बाय की थी दोनों की। ये वाला जो है, ये वाला वो मैंने खुद यूज़ किया, ये वाला मैंने किसी को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं, विटामिन सी फेस सीरम की बात करते हैं। इनका क्लेम क्या है? ये कहते हैं इसमें हाइड्रोलिक एसिड है, एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग, रिपेयर, प्रोटेक्टिंग, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, इनका ये क्लेम है। लेकिन ये निहायत बकवास तरीन है। आप अपनी जो पैसे हैं ना उसको ज़ाया मत करें। हमारी जो ब्राइड्स होती हैं या जिनकी शादी होने वाली होती है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स ख़रीद लेती हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि ये वाला तो बिल्कुल बाय ही ना करें। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ अंदर से कैसा है इसका टेक्सचर भी देख लें आप। ठीक है, ये कोई गाढ़ा टेक्सचर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, जैसे होता है नॉर्मल स्किन पे कोई चीज़ लिक्विड या ऑयल गिर जाए ना, इस तरह का सीरम है, ठीक है। इसका बहुत गंदा रिजल्ट है। इससे ये हुआ है कि बहुत से लोगों के फेस जो जिनकी ड्राई स्किन है उन पे पिंपल्स बन आए हैं, और जिनकी ऑयली स्किन है उनकी स्किन पर ब्लैमिशेस बन गए हैं, ठीक है। इतनी बकवास प्रोडक्ट है ये, ओके। इसकी पूरी किट हमने इस्तेमाल की थी, वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सीरम मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन पर ही रिव्यू दे दूँ आपको। नेक्स्ट जो है वो ये है, वाइट स्किन फेडिंग वाइटनिंग फेड स्पॉट सीरम। अच्छा, इसको मैं दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा है। ये बिल्कुल वाइट है, उसका फिर भी येलोइश ज़रा वो था, इसको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल वाइट है और ये थिक भी है, गाढ़ा भी है। ये सीरम बहुत अच्छा सीरम है। अच्छा, इन दोनों की कोई खुशबू नहीं है। अच्छा, इनकी जो किड्स हैं उनमें जो क्रीम वगैरह हैं उनकी हैं, डे एंड नाइट क्रीम की हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, अगर आप इसे मेकअप के बाद यूज़ करते हैं ना, मतलब मेकअप करने से पहले, तो इसका रिज़ल्ट आला है, आला बिल्कुल। मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना हमारी रंगत उड़ी जा रही है अक्सर लड़कियों का होता है, तो ये उस तरह की चीज़ है। इसकी नस्बत आप ये किट बाय कर लें, लेकिन ये आपको फ़ौरन रिज़ल्ट शो नहीं करती, ठीक है। आपको एक मंथ यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको रिज़ल्ट शो होगा, ठीक है। मेरी तो यही थी इनके ऊपर राय, अगर ये बाय करेंगे पैसे ज़ाया, अगर ये बाय करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खैर, अपना ख्याल रखिए, हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।